नमस्कार दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन में अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आप लोगों को प्रत्येक जोन में कितना कितना फॉर्म फिल हुआ है, देखिए पिछले बार रजिस्ट्रेशन नंबर का इशू हो रहा था तो पिछला वीडियो मैंने पूरा डिटेल से बता दिया था कि हर एक जोन में कैसा रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है और आपका कहां से कहां तक काउंट होगा, सारा कुछ बता दिया था दोस्तों। तो आज लेटेस्ट अपडेट यही है कि सभी जोन का डाटा निकल करके आ गई है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो सेफ जोन और डेंजर जोन की जो अभी कहानी चल रही है इसको भी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं। बस आप लोगों को एक ही बात बताने वाला हूं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। हर एक प्रकार की सरकारी नौकरी की अपडेट इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आप टेक्नीशियन में फॉर्म फिल कर दिए हैं तो देख लीजिए, लेकिन अगर टेक्नीशियन में फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो आपको मैं बता दूं, आप दो चार दिन और रुक जाइए, आप इस महीना के बाद फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म फिल की जो संख्या है ना वो बहुत ही कम है। देखिए मैं हमेशा बोलते आया हूं, रेलवे के जब भी वैकेंसी आती है, देखिए रेलवे की जो वेबसाइट है ना वो स्लो नहीं होता, उसका सर्वर डाउन नहीं होता दोस्तों, उसका लास्ट मिनट तक बराबर चलता है। तो आप लोगों को बता दूं, लास्ट के जो 7 दिन है यानी कि लास्ट वीक में इतना स्पीड में फॉर्म फिल होता है ना कि हर दिन मतलब रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल होता है, चाहे हर जोन में, ठीक है। तो ये बात आप लोग पहले ही जान लीजिए। दूसरा चीज एक बार फिर से बता दूं कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप सभी को तो पता ही है दोस्तों, तो हर एक जोन का रजिस्ट्रेशन नंबर में पहला लेटर ए से हो गया, ई से हो गया, एन वाई ऐसे आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद 22400, ठीक है, ये आप लोगों का कोड आ रहा है। पहले क्या होता था, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अप्लाई करते थे उनका लास्ट में 3 रहता था, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अप्लाई करता था उनका लास्ट में 1 रहता था, लेकिन अभी क्या है, अभी के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है। अभी जो 23 तारीख के बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, सब में अभी एक ही चीज हो रहा है, वो हो रहा है दोस्तों आपका जैसे कि कोई भी जोन है उसका कोड के बाद आपका 22400 के बाद जितना फॉर्म फिल हुआ है वो सिंपल सा दिख जा रहा है, तो आप लोगों यहां से भी पता कर सकते हो। अब देखिए, अब आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने नहीं भी भरा है ना फॉर्म, तो भैया कुछ जोन में, देखिए सभी जोन का डाटा बताने वाले, लेकिन कुछ जोन में मत फिल करना, ठीक है, सोच समझ करके फिल करना। यहाँ पे ज्यादातर फॉर्म वही कैंडिडेट फिल करते हैं जो ऑलरेडी रेलवे में चयनित है और बाहर स्टेट में ज्वाइन करने वाला रहता है। देखिए कोई भी कैंडिडेट अपने नजदीक जोन कैसे चुन करते हैं, या तो वो कोई जोन में फॉर्म फिल करता है जहां पे सीट ज्यादा हो, या वहां पे पिछला कटअप कम गया हो, या वहां पे एक चीज और देखता है, उसके घर से कितना दूर है, वो जो जोन है जहां से फॉर्म फिल करने वाला है वो उनके घर से कितना दूर है, यही सब चेक करता है। अब देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ जोन में भैया भरने से पहले थोड़ा सोच लेना, वो कौन कौन सा जोन है वो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों। भैया यूपी के अंतर्गत जितने भी जोन आ जाता है सब समझ जाइए दोस्तों हाई कटअप जाता है, ठीक है। उसके बाद बिहार के अंतर्गत जितने भी जोन आता है वो कटअप हाई जाता है, और सबसे कम पोस्ट सबसे ज्यादा पोस्ट, ये थोड़ा देख करके भरिएगा, यहाँ पे थोड़ा मतलब हालात थोड़ा डेंजर वाली जोन रहती है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, यूपी बिहार का थोड़ा सोच समझ करके फॉर्म फिल कीजिएगा। और वैसे भी ज्यादातर यूपी बिहार के कैंडिडेट साउथ तरफ मूव होते हैं, वही कैंडिडेट वहां पे ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं जो पहले से ऑलरेडी चयनित होते हैं और बाहर स्टेट में काम करते रहते हैं वो अपने घर के नजदीक आने के लिए, ठीक है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक जोन का डाटा बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जहां पे सबसे कम सीट हो। तो सबसे कम सीट कहां पे है दोस्तों, सिलीगुड़ी में। तो अभी तक अगर सिलीगुड़ी के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कितना फॉर्म, देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही रजिस्ट्रेशन का कोड तो बता ही दिया भाई, अब आप लोगों को बता देता हूं, 8600 प्लस अभी तक इसमें फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद आ जाता है आपका चंडीगढ़ जोन, 11900 दोस्तों, 11900। देखिए भैया चंडीगढ़ जोन एक थोड़ा डेंजर जोन है, डेंजर हालत में रहता है, हमेशा कटअप हाई जाता है, तो सोच समझ के वहां पे थोड़ा ट्राई कीजिएगा, चाहे फॉर्म फिल कम हो या ज्यादा हो। देखिए अपना 4-5 स्टेट ऐसा है जहां पे एनी टाइम तैयारी करते रहते हैं बच्चे रेलवे की, वो हो गया यूपी, हो गया बिहार, हो गया चाहे वैकेंसी आई या ना आए, बिहार में एनी टाइम तैयारी होते रहता है, यूपी में एनी टाइम तैयारी होते रहता है, ये 2 स्टेट हो गया। तीसरा नंबर का आपका स्टेट कौन सा आ जाती है, तीसरा नंबर आपका स्टेट हो जाती है भैया हरियाणा, हो गया बिहार, यूपी, एमपी, इधर एनी टाइम तैयारी करते रहते, मतलब हर एक कैंडिडेट तो नहीं करते लेकिन करते ही रहते हैं, तो इसके वजह से
यहाँ पे थोड़ा सा कटअप हाई जाता है, मैं सही बता रहा हूँ। देखिए अब इसके बाद आपका आ जाता है तीसरे नंबर में दोस्तों मुजफ्फरपुर। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं अभी तक फॉर्म फिल की, तो लगभग 6000 प्लस फॉर्म फिल हो चुकी है। देखिए टेक्नीशियन में क्या है, इस बार फॉर्म की संख्या एएलपी से ज्यादा जाने वाली है। क्यों एएलपी से ज्यादा जाने वाली है, आरटीआई लगा करके मैं बता देगा इसका फाइनल। देखिए एएलपी में जो हम लोग ने डाटा बताया था, जब वहां से आरटीआई लगा तो मुंबई जोन का परफेक्ट मैच खाया, 1000 या 700-800 का बस डिफरेंट था। तो विश्वास किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए लास्ट मिनट से कुछ टाइम पहले तक जब भी फॉर्म फिल होता है लास्ट डेट का, वही डाटा हम लोग बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर में आपका आ जाता है दोस्तों बेंगलोर। बेंगलोर में अभी तक 11000 प्लस फॉर्म फिल हुआ है। इसके बाद आपका आ जाता है पांचवा नंबर में भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आपको अभी तक 8500 प्लस फॉर्म फिल हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद गोरखपुर आ जाता है। गोरखपुर भैया एक बार सोच समझ लीजिएगा, हालांकि 200 पोस्ट है लेकिन 9500 प्लस फॉर्म फिल हो चुकी है, और गोरखपुर थोड़ा डेंजर जोन के अंतर्गत आती है। सातवां नंबर में आपका आ जाता है पटना तो थोड़ा देख के भरिएगा भाई, हाँ पटना में तो आप सभी को तो पता है यूपी बिहार के अंतर्गत कितना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां रेलवे की कोचिंग एनी टाइम चालू रहता है, तो सोच समझ के फिल कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आठवां नंबर में आ जाता है दोस्तों आपका मालदा। लगभग यहाँ पे 7000 फॉर्म फिल हो चुकी है। देखिए वैकेंसी थोड़ा ज्यादा है इस बार सभी जोन में, मतलब एएलपी के मुताबिक। दूसरा चीज, एक चीज और आप लोग याद कर लीजिएगा कि एएलपी में क्या है, जिसका आई साइज 6x6 होता है वही लोग फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन टेक्नीशियन एएलपी का भी तो 10+ आईटीआई वाले कैंडिडेट ही भरते हैं ना, और इंजीनियरिंग वाला कुछ परसेंट तक भरते हैं, लेकिन टेक्नीशियन में क्या है, जो चश्मा वाले हैं वो लोग भी तो आईटीआई पास है वो लोग फिल करते हैं, साथ ही साथ जो ग्रुप डी में नौकरी करते रहते हैं वो लोग फिल करते हैं, ऐसे सब फॉर्म फिल करते हैं दोस्तों, जिसके वजह से इस बार एएलपी से ज्यादा फॉर्म फिल होने वाली है। आप सभी देख लीजिएगा जब फाइनल डाटा आएगा तो, ठीक है। नवा नंबर में आपका तिरुवनंतपुरम, ये सेफ जोन के अंतर्गत आती है दोस्तों। एएलपी में पोस्ट कम थी, लगभग 70 के आसपास थी, फिर भी यहाँ पे सेफ जोन थी, फॉर्म की संख्या कम हुई। इस बार भी अभी तक 275 सीट होने के बावजूद 10000 प्लस फॉर्म फिल हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जम्मू एंड श्रीनगर का मेरे पास अभी तक डाटा नहीं आया दोस्तों। जैसे ही अगर कोई कैंडिडेट मुझे मेल कर देता है, मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट करा देगा दोस्तों। इसके बाद 11वां नंबर में प्रयागराज, भी डेंजर जोन है, थोड़ा देख लीजिएगा, आपका तैयारी बहुत अच्छा है तो थोड़ा सोचिएगा इधर, हाँ 15000 प्लस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रांची 20000 के आसपास अभी तक फॉर्म फिल हो चुके हैं भैया। और क्यों 20000 के आसपास, देखिए रांची में क्या है दोस्तों, मतलब फॉर्म की संख्या ज्यादातर कैंडिडेट उधर रांची हो गया, मतलब झारखंड हो गया, बिहार, ये सब नॉर्थ ईस्ट चले जाते हैं, बीच में रांची एक ऐसा जोन आता है जहां पे फॉर्म की संख्या थोड़ा कम जाती है, ठीक है। कटअप भी वहां पे ठीक ठाक जाती है, ठीक है। कुछ बच्चे बिहार के जाते हैं, कुछ झारखंड के भरते हैं, कुछ कोलकाता इधर, मतलब ऐसी आसपास के भरते हैं, वहां पे थोड़ा कटअप थोड़ा कम रहती है। 13वां नंबर में आपका आ जाता है दोस्तों भोपाल। भोपाल में 452 पद है, और भोपाल में अगर हम बात करें तो लगभग 17500 फॉर्म फिल हो चुकी है। और देखिए भोपाल में एक चीज आपको मैं बता दूं दोस्तों, जब एएलपी की फॉर्म फिल हुई थी सबसे सेफ जोन के अंतर्गत भोपाल ही थी, क्योंकि वहां पे सीट भी ठीक ठाक था, फॉर्म की संख्या कम थी। अभी तक 17000 सीट के हिसाब से बहुत कम फॉर्म फिल हुआ है वहां, लेकिन कटअप थोड़ा हाई जाता है क्योंकि उधर तैयारी करने वाले रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों कोलकाता, 506 सीट है। अब देखिए कोलकाता में क्या है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट तरफ से कैंडिडेट भरते हैं, वहां पे सिलीगुड़ी एक हो गया, ठीक है, उसके बाद कोलकाता हो गया, मालदा हो गया, यही सिर्फ जोन है। तो इधर नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड वाले हो गए आपका, वेस्ट बंगाल वाले होंगे, कुछ बिहार वाले ऐसे भरते हैं उधर, इसके वजह से वहां पे थोड़ा कटअप, हमेशा आप कोलकाता जोन की जब डाटा उठा के देखोगे ना, हमेशा वहां पे कटअप हाई जाता है। तो कोलकाता जोन में लगभग आपको बता दूं दोस्तों 20000 प्लस फॉर्म फिल हो चुका है। इसके बाद आपका आ जाता है अजमेर। अजमेर एक सेफ जोन के अंतर्गत कभी भी नहीं आई है दोस्तों, हालांकि यहाँ पे फॉर्म फिल की संख्या अभी तक अगर बात करें तो 25-26000 प्लस हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद गुवाहाटी में पहले के टाइम पे फॉर्म फिल कम होती थी, उतना ज्यादा देखिए 2016 के बाद जब जियो आया ना सबके, तब इतना जानकारी फैलते गया, उसके बाद भी
2018-19 तक उतना ज्यादा कैंडिडेट के पास मोबाइल नहीं था, उतना ज्यादा इसके वजह जानकारी नहीं था। तो देखिए, गुवाहाटी एक ऐसा जोन है जहां हमेशा कट ऑफ रहा, चाहे कुछ भी एग्जाम हो, कम जाती थी। लेकिन अभी पहले फॉर्म भी कम फिल होता था, कट ऑफ भी कम जाता था, उधर कौन जाए नौकरी करने, ऐसे सोचते थे। लेकिन अभी के टाइम पे आप देख लो, गुवाहाटी में 624 सीट अच्छा खासा सीट है, लेकिन फॉर्म फिल करने की संख्या अगर हम बात करते हैं तो लगभग 19,000 या 20,000 के आसपास, अभी तक 20,000 प्लस हो गई होगी, 19,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुकी है। अहमदाबाद जोन की अगर हम बात करते हैं तो भैया अहमदाबाद जोन में अभी तक रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल हो चुकी है। देखिए अहमदाबाद जोन है ना, वहां पे हमेशा से फॉर्म फिल ज्यादा होती है। अभी तक दोस्तों अगर हम बात करें तो 46 लगभग 46,000 के आसपास वहां पे फॉर्म फिल हो चुकी है। अब आ जाता है सिकंदराबाद। देखिए मैं पहले ही बोला हूं, अपना हिंदी स्टेट के अंतर्गत जितने भी जोन आता है ना, चाहे वो हो गया आपका पटना, हो गया जो भी हो, वहां पे थोड़ा कटअप हाई ही रहती है, चाहे कोई सा भी जोन सीट कम आए ज्यादा आए कोई प्रॉब्लम। लेकिन वही साउथ तरफ के जितना, जैसे कि सिकंदराबाद हो गया आपका, हो गया दोस्तों बेंगलोर, हो गया आपका चेन्नई, हो गया त्रिवेंद्रम, हो गया, ये सब जोन थोड़ा सेफ के अंतर्गत आता है। अब क्यों ऐसा आता है, क्योंकि देखिए उधर वाले जो कैंडिडेट होते हैं ना, उधर वाले जो कैंडिडेट ज्यादातर डिप्लोमा इंजीनियरिंग वगैरह किए रहते हैं, और वो सबके सब सरकारी नौकरी को प्रीफर नहीं करते, या तो एलएनटी वगैरह, उधर ही पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है दोस्तों, सही बात, साउथ में बता रहा हूं। दूसरा चीज, वहां के बच्चे दुबई, मतलब विदेश जाना ज्यादा प्रीफर करते हैं वहां पे, वहां के कैंडिडेट, ठीक है, वहां के जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके बाद विदेश जाना, साल भर, दो साल, तीन साल के लिए विदेश चले जाते हैं उसके शादी से पहले, तो ऐसा करते हैं। इसके वजह से वहां वाले उतना ज्यादा सरकारी नौकरी में ध्यान नहीं देते। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, देख लीजिएगा भाई, ठीक है। सिकंदराबाद हो गया, अब चेन्नई, बिलासपुर, मुंबई और सिकंदराबाद, ये एक ऐसा जोन है दोस्तों, अहमदाबाद, ये पांच जोन जहां पे सबसे ज्यादा पोस्ट है, और पांचों जोन में मुंबई सबसे टॉप पे। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज्यादा जहां पे सीट रहता है वहां पे तो फॉर्म की संख्या ज्यादा होती है। तो ये जो पांच जोन है इसमें से अगर हम चेन्नई को छोड़ दें तो बाकी के चार जोन में रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल हो रही है। और अगर हम बात करते हैं चेन्नई की, तो लगभग चेन्नई में 20 के आसपास फॉर्म फिल हो चुकी है दोस्तों, 833 सीट है। और पिछले बार जब कटअप की बात करते तो फीटर वगैरह जो ट्रेड वगैरह थी ना, उसमें सबसे कम कटअप चेन्नई तरफ ही गया था, ठीक है। अब आ जाता है दोस्तों बिलासपुर और मुंबई का। तो बिलासपुर में अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर में अभी तक दोस्तों लगभग 40,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुकी है दोस्तों यहां पे भी। और मुंबई में अगर हम बात करते हैं तो मुंबई की बात करूं दोस्तों, लगभग 46 के आसपास फॉर्म फिल हो चुकी है। अब एक चीज, बहुत सारे कैंडिडेट एक ही सवाल करते हैं, सर हम हैं बिहार के बच्चे, फॉर्म फिल कर रहे हैं चेन्नई में, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो क्या सर हम लोगों का एग्जाम जो रिटर्न एग्जाम होगा, देखिए टेक्नीशियन में सीबीटी फर्स्ट है, एक ही सीबीटी फर्स्ट, तो ये सीबीटी फर्स्ट कहां पे होगा, क्या हमको चेन्नई जाना पड़ेगा? तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो सीबीटी फर्स्ट है ना, आपका आपके स्टेट में ही होगा, क्योंकि रेलवे ने ऐसा नियम करता है, ऐसा एग्जाम पहले जब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता था तब होता था, वहीं पे जाकर के एग्जाम देने वाला सिस्टम। लेकिन अभी क्या कर दिया रेलवे ने, एएलपी में क्या हुआ था दोस्तों, 2018 की बात कर रहा हूं, आप 2000 अभी जो भी रेलवे की एग्जाम दिला रहा है सीबीटी वाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उन सभी को पता है कि पहला पेपर आपके ही स्टेट में होता है, आप जिस जोन से अप्लाई किए वहां पे नहीं, आपके घर के नजदीक वाला में जाना, आप पेपर दिला के आना। लेकिन उसके बाद जब आगे की प्रोसेस, अगर सिंगल सीबीटी है उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट की बात है तो डॉक्यूमेंट आप जिस जोन में अप्लाई किए वहीं पे होगा। दूसरा चीज, अगर सीबीटी टू है तब आप जोन वाइज जाओगे, एएलपी में ऐसी हुआ था, सब जगह ऐसी हो रहा है रेलवे में, तो घबराइए नहीं, अगर एक ही सिंगल सीबीटी है तो आप अपने घर के पास में ही एग्जाम देने वाले हो, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, घबराना नहीं है किसी की बात में आकर के, ठीक है। अब एक चीज और आप काम कर सकते हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक्नीशियन हो, रेलवे हो, हर एक प्रकार की सरकारी नौकरी की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, और प्रत्येक सरकारी नौकरी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।